हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आज आपके सामने जो ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, ये आपका उत्तराखंड पीसीएस का, यूके पीएससी का जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है, जिसका आप पेपर वन रहा है आपका, पेपर फर्स्ट जनरल हिंदी का, सामान्य हिंदी जो पेपर रहा है उसका। बेसिकली इस वीडियो में हम आंसर्स चेक करेंगे, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर रह सकता है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका आज 23 अप्रैल 2020, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का ही पेपर है, शिफ्ट वन, ठीक है। इसमें पेपर वन है ये आपका, यूके पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर। ये कॉमन एग्जाम, कॉमन पेपर है सभी ब्रांचेस या सभी ट्रेड्स के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें या जिनके भी हम आंसर बताएं आपको, तो वो मैक्सिमम चांसेस हों कि वो सही हो, जिससे आपको आपका मूल्यांकन करने में थोड़ी सी सुविधा मिल जाए, है ना। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऊंधों का लेना ना मांधों का देना, इस कहावत का अर्थ पूछा गया है यहाँ पर। तो इस कहावत का अर्थ है अपने काम से काम रखना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर वन का। सेकंड क्वेश्चन है आपका, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है झूठा दिखावा करना, ठीक है, मतलब होता है ना कि शो ऑफ करना, ठीक है, तो वो होता है आपका झूठा दिखावा करना। सेकंड क्वेश्चन में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र वो कौन सा है, वो है उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर की। तो क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तेसज नहीं है। तो वो जो शब्द है वो है साइकिल, साइकिल एक इंग्लिश का वर्ड है जो तेसज वर्ड नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन पूछा गया है फिफ्थ क्वेश्चन में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, संधि के वर्णों में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यह वह उनसे उन्होंने इन शब्दों को कहाँ कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर रहेगा सर्वनाम के अंदर, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक प्रकार नहीं है, ठीक है, एक प्रकार का कारक नहीं है। देखिए होता ना कर्ण कर्म कर्ता, ये सब तो एक जैसे हैं, बट क्रिया इज डिफरेंट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर एट, पर्यावरण का संधि विच्छेद वर्ड जो स्वरूप होगा क्वेश्चन नंबर एट का, वो करेक्ट आंसर रहेगा परी प्लस आवरण, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एट का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन, खगोत का अर्थ क्या होता है, खगोत का अर्थ होता है जुगनू, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा नाइन्थ का। जो लिंग विभक्ति या वचन आदि के अनुसार परिवर्तित ना हो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका अव्यय, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा टेंथ नंबर क्वेश्चन का। उन्नति शब्द में कौन सी संधि होती है, उन्नति शब्द के अंदर व्यंजन संधि देखने को मिलती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, किन्हें किसी के कहे गए कथन को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो होता है आपका उदाहरण चिन्ह, ठीक है, ऑप्शन सी जो रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सी 12th नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 13 क्वेश्चन है फिर, यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है, इसके अंदर जो है भाववाच्य है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 14th में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें जो आलोचना है ये कटाक्ष का जो है पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, आलोचना का मतलब क्रिटिसिज्म होता है, क्रिटिक्स जो करते हैं क्रिटिसिज्म वो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हाथों हाथ मुहावरे का अर्थ होता है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा बहुत जल्दी, 15th का ऑप्शन नंबर ए बहुत जल्दी। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, बाहर कोई खड़ा है वाक्य में सर्वनाम क्या है, ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे अनिश्चितकालीन, क्योंकि बाहर कौन खड़ा है, कोई भी खड़ा हो सकता है, तो अनिश्चित है, कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया कि कोई पर्सन है, मेल है फीमेल है, बूढ़ा है यंग है बच्चा है क्या है, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द चुनिए, तत्सम शब्द चुनना है आपको, इनमें से वो है सुंदर, सुंदर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
17 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देन हम मूव करते हैं थोड़ा सा नीचे 17 देन 18। ओके 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग युक्त है? ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है प्राचार्य। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप उपसर्ग जिसमें नहीं है वो है अपरोक्ष में, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 20th में, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से अशुद्ध शब्द जो है 20 नंबर क्वेश्चन का वो है करेक्ट आंसर महत्व। ठीक है, इसमें देखिए डबल होता है, ये त त ऐसे त होता है, इस तरीके से लिखा होता है महत्व। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा वाला त गायब है, आपका मिसिंग है, तो अशुद्ध वर्ड है आपका ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर में पूछा गया है इसमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कथन सही पूछा गया है, सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए 23rd क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 23rd क्वेश्चन में समास रचना प्रक्रिया में समस्त पद किसे कहते हैं? ठीक है, 22nd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से बना नया शब्द। ठीक है, कौमुदी किसकी पर्यायवाची है? कौमुदी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है चांदनी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर 24th क्वेश्चन देखते हैं, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार इस्तेमाल किया गया है? 24th का करेक्ट आंसर रहेगा रूपक अलंकार। ठीक है, 25th क्वेश्चन, 10 वर्षों के समूह को क्या कहा जाता है? 10 वर्षों के समूह को कहा जाता है शताब्दी। ठीक है, अनीक का तात्पर्य है, अनीक का तात्पर्य होता है आपका सेना, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। वाक्यांश में शब्द के लिए एक शब्द चुनिए, ठीक है, उसे कहा जाता है अजात शत्रु। ठीक है, ये अजात शत्रु एक राजा भी हुआ करता था आपका हिस्ट्री में, जिसने बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, याद होगा आपको। फिर हम आगे बात करते हैं, 27 हमारा हो चुका है, 28 से आगे आते हैं। 28 में है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश का एक शब्द आप बताइए, तो 29th का करेक्ट आंसर है सर्वज्ञ, जिसको सब कुछ पता हो, दैट इज सर्वज्ञ। साकार शब्द का विलोम क्या है? साकार शब्द का विलोम होता है निराकार, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची नहीं है, घर का पर्यायवाची कौन सा वर्ड नहीं है? ठीक है, 31st का करेक्ट आंसर है ग्रह। ग्रह मतलब ये घर नहीं होता, दैट्स अ प्लैनेट, है ना, जो अंतरिक्ष में प्लैनेट है उन्हें ग्रह कहते हैं, तो इसका घर का पर्यायवाची ग्रह नहीं है। ठीक है, बाकी हम नहीं जाते, सिंपल क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 32 पे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण कौन सा है? यद्यपि, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है 32 का। ठीक है, 32 हो गया, फिर हम बात करते हैं 33 से। ठीक है, 33 का देखिए, उसने कुछ नहीं खाया है, वाक्य में कुछ क्या है? ठीक है, 33 का करेक्ट आंसर रहेगा अनिश्चित काल अनिश्चयवाचक। देखिए कुछ नहीं खाया, भाई कुछ भी खा सकता था व्यक्ति, तो कुछ नहीं खाया है, मतलब हमें पता नहीं है क्या चीज क्या खाया नहीं उसने। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 34, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? बेसिकली इसको राइटर कौन है? वो है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 35, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है, 35 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सर्वनाम। निम्नलिखित में से उचित मुहावरे का चयन करके जो फिल इन द ब्लैंक से भरना है आपको, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो अजय तो है पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं जानता। देखिए इसमें करेक्ट आंसर रहेगा किताबी कीड़ा होना, अजय तो किताबी कीड़ा होना है। ठीक है, पढ़ाई के अलावा उसे कुछ नहीं आता। ठीक है, मतलब तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, लिटिल बिट डाउट है इस क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा आंसर की का वेट करना पड़ेगा, जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें देखना पड़ेगा क्या आंसर होगा, बट मेरे ख्याल से ये रहना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 36 का। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 36 के बाद है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है आँख रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आँख रखने का अर्थ होता है निगरानी रखना, मतलब किसी को वॉच करना, है ना।
हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? वो होता है आपका भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी का एक आपने कहावत सुनी होगी, तो इसका जो मतलब होता है, अर्थ पूछा गया है 39th क्वेश्चन का, वो होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है ना। उसने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल आता है? 40th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आसन्न भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेरणार्थक क्रिया है, किस टाइप की क्रिया है ये? चलवाना क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 41 का। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, 41 के बाद 42, दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा जो है आपका 42 जो क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये है मात्रिक छंद, ऑप्शन नंबर ए। लालटेन शब्द किस भाषा का अपभ्रंश रूप है? ठीक है, तो लालटेन जो है ये अंग्रेजी भाषा का अपभ्रंश रूप है। करुण रस की स्थावी भाव, ठीक है, स्थाई भाव है, करुण रस का स्थाई भाव क्या होता है? ये होता है आपका 44 का करेक्ट आंसर है आपका शोक। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 45 की हम बात करें तो निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन करना है। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाए, होता है ये विभीषण के लिए इस्तेमाल किया जाता था, घर का भेदी लंका ढाए, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है? लोकोक्ति है। बाकी जितने भी है, तिल का ताड़ बनाना, ये सारे क्या है? मुहावरे हैं आपके। निम्नलिखित में से किसे में से देशज शब्द कौन सा है? 46 का करेक्ट आंसर रहेगा देशज शब्द अक्खड़। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 47 का नहीं पूछा गया है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यातुधान। यातुधान इज नॉट अ, मतलब ये पर्यायवाची नहीं है आपका अग्नि का। ठीक है, 47 का है सी का आंसर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 48 की, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है, 48 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, हमारे यहाँ नवयुवक शिक्षक पाते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक संज्ञा नहीं है? संबंधवाचक संज्ञा जो नहीं है इसमें, वो है आपकी ससुराल। ठीक है, बाकी ननिहाल, आपका भतीजा, मामा, ये सब किसी ना किसी से रिलेटेड है, बट ससुराल इज नॉट अ संबंधवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, 49 हो गया हमारा, 50th क्वेश्चन पे आते हैं। 50th क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द बताइए, मतलब ऑड मैन आउट वाला जो क्वेश्चन होता है वो वाला बताना है, तो यहाँ पर उत्कृष्ट इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है? अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो कहलाता है आपका मे। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है आपको, वो कौन सा है? वो है अनाधिकार। अनाधिकार नहीं होता, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं होगी, अनधिकार होगा। ठीक है, शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन, प्रयुक्त शब्द है शारीरिक पीड़ा के लिए जो 53 क्वेश्चन है, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो होता है आपका यातना। ठीक है, यातना भाई होता ना, किसी को कष्ट देना है, तड़पाना, तो यातना दी जाती है, तो वही वाला वर्ड है यातना। पश्चिमी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, तो 54th का करेक्ट आंसर है सैर सैनी। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, 54th के बाद हम बात करते हैं ना नीचे, 55th क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की नहीं है, यहाँ पूछा गया पश्चिमी हिंदी की नहीं है, है ना। तो देखिए, खड़ी बोली आपकी पश्चिमी हिंदी है, हरियाणवी, बुंदेली, ये सब क्या है आपकी राजस्थान या हरियाणा या आपका वेस्टर्न जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर बोली जाती है, बट ये जो छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 55th क्वेश्चन का। ठीक है, 56 पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छाटना है आपको, तो वो है आपका सर्प। सप्तऋषि शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, 57th है ना, 57th का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सप्त और ऋषि ऐसे लिखा जाता है, स्पेलिंग ध्यान रखिए। अवर्ण का उच्चारण स्थान है, अवर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो है कंठ। ठीक है, अ जो शब्द हम बोलते हैं ना, अ वो कहाँ से निकलता है? गले से निकलता है, कंठ से निकलता है। नेक्स्ट है 59th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है, शुद्ध कौन सा है? वो है 59th का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, वह हंसी से टाल गया। ठीक है, वह हंसी से टाल गया,
ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन 59 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। 59 के बाद आता है हमारा 59-60। निम्नलिखित में से किस कवि ने की प्रसिद्ध कृति है, सॉरी प्रिय प्रवास जो है कि इस कवि के द्वारा लिखा गया है, ये पूछा गया है 60 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। ठीक है, इनके द्वारा ये काव्य लिखा गया है। घी शब्द का तत्सम रूप है, घी शब्द का जो तत्सम रूप है वो है ग्रत, ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर है। विशेषज्ञ का अर्थ होता है 62, विशेषज्ञ का अर्थ होता है विषय को विशेष रूप से जानने वाला, मतलब होता है ना कि भाई किसी चीज में मास्टरेट कर रखी है किसी ने, मतलब उस चीज का वो विशेषज्ञ है। ठीक है, तो 62 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 63 क्वेश्चन की, अनेक शब्द जो है इसका जो अनेक शब्द है वो क्या है, बहुवचन, बहुवचन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सज्जन शब्द का विलोम जो होता है वो होता है आपका दुर्जन, ऑप्शन नंबर डी। पांव बारह होना इसका जो बेसिकली ये क्या है, पांव बारह होना 65 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है मुहावरा, दिस इज अ मुहावरा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, तो 66 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा दसियों। ठीक है, किस विराम चिन्ह, मतलब ये जो सिंबल लगाया जाता है ना इस तरीके से, ये वाला, ठीक है, इस चिन्ह का नाम क्या है, इस चिन्ह का नाम होता है 67 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अर्धविराम। ठीक है, इस सिंबल को कहते हैं अर्धविराम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 67 क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 67 हो चुका है हमारा, हम बात कर रहे हैं 68 क्वेश्चन की। 68 क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों जोड़े जाते हैं, तो वो होता है आपका यहाँ पर रहेगा उपकारक में। ठीक है, आलोचना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, वो होता है आपका आलोचक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 69 का। 67 में बिन पद चलूं सुने बिन काना पंक्ति में कौन सा अलंकार जो है वो इस्तेमाल किया गया है 70 नंबर क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा विभावना। ठीक है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विश्लेषण छाटिए, गुणवाचक विश्लेषण जो है वो होता है आपका थोड़ा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नहीं सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पर, 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ना दैट्स कुरूप। ठीक है, गुणवाचक कुरूप होगा, ए नहीं, 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुरूप। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्याग्रह का जो संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दरिद्रता निम्नलिखित में से किस संज्ञा भेद का उदाहरण है, किस संज्ञा भेद का उदाहरण है दरिद्रता, दैट इज द भाववाचक का। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होने का मतलब क्या होता है, वास्तविक कष्ट का पता चलना। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निज भाषा उन्नत आहे सब उन्नत को मूल, किस प्रसिद्ध कवि की काव्य पंक्ति है ये बेसिकली, तो इसको लिखने वाले कवि थे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो 75 के बाद हम बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की। 76 में पूछा गया है कौन सा शब्द ऊंचा का पर्यायवाची है, तो ऊंचे का पर्यायवाची है अतुंग। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चमकीला शब्द का प्रत्यय क्या होता है, चमकीला शब्द का प्रत्यय होता है ईला, ये जो ईला है ना, देखिए ये वाला ई मात्रा, इसी वाली ऊपर वाली बड़ी की मात्रा, इसे लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, युग्म बताना है आपको 78 का गलत कौन सा है, वो है अभिराम और अविराम, दिस कॉम्बिनेशन इज ये गलत है बेसिकली। ठीक है, 79 पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, तरणी का अर्थ सूर्य होता है, तो तरणी का अर्थ क्या होगा, देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा नाव, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ 79 का। फिर हम बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की, तो 80 क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदी में स्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितने वर्ग में है, कितने वर्ग के होते हैं, इसके अंदर पांच होते हैं, ऑप्शन नंबर 5 इज ए इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पांच। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है आपको, यहाँ पर अशुद्ध है पीताम्बर। ठीक है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन है आपका यहाँ पर ज्ञ। ठीक है, ज्ञ। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है,
देखिए 83 का करेक्ट आंसर है ब्राह्मी लिपि से। निम्नलिखित में से वागीश का उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा? वागीश का जो संधि विच्छेद है करेक्ट आंसर रहेगा वाक ईश, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, वाग प्लस ईश। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द ढूंढना है आपको, तो वो है अनुग्रहित, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 86 की। 86 में पूछा गया संवाद का सही अर्थ क्या होता है? संवाद का सही अर्थ होता है बातचीत, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से संधि की दृष्टि से कौन सा विच्छेद शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है आपको बताना है, इनकरेक्ट मैच है, वो है आपका उन्मेष। उन्मेष जो है वो गलत है, बाकी निश्चल, महाइंद्र और यद्यपि आपका करेक्ट है। ये जो 88 क्वेश्चन है आपको किस शब्द की वर्तनी विशेषण गलत है, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इसको मैं अभी फिलहाल लीव कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंट बॉक्स में, जब जैसे मेरे को पता लगेगा करेक्ट आंसर क्या होगा तब मैं इसको कमेंट बॉक्स में प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, 88 क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए 87 के बाद हम बात करते हैं 89 की। तो 89 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, बंधन शब्द का शुद्ध वर्तनी होगी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, नॉट बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 89 के बाद फिर हम बात करते हैं 90 की। राम अवतार शब्द में कौन सी संधि है? राम अवतार के अंदर जो है दीर्घ संधि देखने को मिलती है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अष्टाध्यायी शब्द कौन सा समास है? ठीक है, अष्टाध्यायी के अंदर जो है आपका द्विगु समास आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 91 हो चुका है हमारा, 91 हो गया है। 92 पे आते हैं। 92 में पूछा गया है निम्नलिखित में से पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा है? पहाड़ का पर्यायवाची है आपका भूधर। ठीक है, भूधर। निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा के शब्द के अंदर देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है मिठास के अंदर। ठीक है, भाववाचक मतलब फीलिंग वाली जो संज्ञा है वो मिठास के अंदर है। निरूपम में उपसर्ग है, निरूपम के अंदर कौन सा उपसर्ग आपको देखने को मिलता है? वो मिलता है ऑप्शन नंबर सी, नी। ठीक है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द आपका इसमें देखने को मिलता है ऑप्शन ए, कुर्ता। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? दैट इज 96 की हम बात कर रहे हैं, तो नहीं 94 आपका बीएससी। ठीक है, 96 है, शुद्ध वर्तनी की हम बात कर रहे हैं, तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर होगी आपकी सृष्टि। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, सृष्टि 96 का सी। फिर हम बात करते हैं 96 के बाद 97 की। पेड़ से पत्ता गिरता है में कारक क्या है? इसके अंदर कारक जो आपको देखने को मिलता है वो होता है अपादान, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है? ये है आपका त, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को आपको फाइंड करना है, ढूंढना है 99th में। 99 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यह लोग अच्छे आदमी हैं, मतलब ये वाला थोड़ा अशुद्ध वाक्य है यहाँ पर। ठीक है, 99 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है 100th क्वेश्चन, ये आपका डी हो गया। ठीक है, यहाँ पर ए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पूज्य। ठीक है, तो ये थे आपके जो आपका उत्तराखंड पीएससी के अंतर्गत असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम हुआ है, उसके अंदर जो पेपर वन था आपका जनरल हिंदी का। ठीक है, जनरल हिंदी, उसके मैंने मोस्टली आई थिंक 99 क्वेश्चंस करा दिए हैं, एक क्वेश्चन जो 88 था उसमें मेरे को डाउट है। जैसे मुझे आंसर पता लगेगा प्रॉपरली, या आपको पता है किसी को करेक्ट आंसर उस क्वेश्चन का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इफ इन केस किसी को डाउट होता है तो प्लीज बी पेशेंस, आंसर की आने दीजिए, आंसर की के साथ हम प्रॉपरली मैच कर सकते हैं कि कितने आंसर आपके सही रहेंगे। इफ इन बट एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं अप एंड डाउन हो, बट मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट आंसर्स हैं आपको दिए गए हैं यहाँ पर, कोशिश की गई है करेक्ट आंसर देने की, तो इससे आप मैच कर सकते हैं इन आंसर्स से कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट पेपर के साथ में, जो आपके अपकमिंग एग्जाम पेपर होने वाले हैं उनके सॉल्यूशन भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।